क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल प्रतिदिन की तरह एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं सबसे खास लोकप्रिय कार्यक्रम कुंडली दर्शन में। और इस कार्यक्रम में आज बात करेंगे आपके आज के दिन के राशि फल के बारे में। जी हाँ, इस कार्यक्रम में जानेंगे कैसा गुजरेगा आपका आज का दिन, क्या कहते हैं सितारे आपके राशि को लेकर, क्या है ग्रह और नक्षत्र के इशारे, क्या कुछ होगा आज के दिन आपके साथ, जीवन साथी या मित्रों से बनेगी आपकी बात, या फिर सारा दिन आप सिकल हकलेश में बह जाएंगे आपके जज्बात, नौकरी व्यापार में कैसे करें आज उचित समय की पहचान, मुनाफे से होगी दिन की शुरुआत या फिर हो जाएगा कोई बहुत बड़ा नुकसान, मेष राशि वालों से लेकर मीन राशि वालों के जीवन में आज क्या कुछ हो सकता है समस्या, और क्या हो इसका राशि अनुसार घरेलू समाधान, इन्हीं बारों में आज के दिन इस कार्यक्रम में बात करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि से, फिर क्रमशः बारी बारी से मीन राशि वालों तक के राशिफल के बारे में इस कार्यक्रम में बात करने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कि कुंडली दर्शन के इस चैनल पर यदि आपको कोई भी सवाल है, आप उसके सवाल उसके जवाब के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हर रात 8 बजे कुंडली दर्शन लाइव कार्यक्रम में आना ना भूलें, उसमें आपके सवालों का जवाब लिया जाएगा और लाइव में ही आपके सवालों का निराकरण किया जाएगा। यदि आपका नंबर एक दिन में नहीं आया तो अगले दिन या उससे अगले दिन तक में लेने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करें सबसे पहले मेष राशि से। उससे पहले आपको एक जरूरी सूचना दे दें कि यदि अभी तक आप में से किसी दर्शक ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो वीडियो के नीचे देखें लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन जो आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद घंटी के आकार के बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस जरूर कर दें, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि वाले, आज आप अच्छा और मीठा बोलकर अपने काम को पूरे करवा सकते हैं। खास लोगों से आज मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। आप आज के दिन काफी बिजी हो सकते हैं। कुछ पुरानी बातें आज आपको याद आ सकती है। ऑफिस में साथ काम करने वाले और बड़े लोगों के साथ आज आपको कोई महत्वपूर्ण मामलों में बातचीत हो सकती है। आज कुछ नया सीखने को भी मिल सकता है। आज के दिन आपको कुछ न कुछ नए कामों में सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं। आज के दिन आपके विचारों को महत्व दिया जाएगा। कोई दोस्त या साथ काम करने वाले लोग आज आपके साथ कुछ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करने वाले हैं। आज के दिन क्या ना करें, फालतू के विवादों से दूर रहने का प्रयास करें। आपका पैसा कहीं आज उलझ सकता है, इस ओर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। आज के दिन आपको कुछ हद तक धन हानि का योग बन रहा है, इसलिए धन से संबंधी कोई भी फैसला लेने से पहले आप जरूरी बातों पर सोच विचार जरूर करें, यह आपके लिए बेहतर होगा। आज आपको कुछ आलस और थकावट भी हो सकता है और इसी के साथ कुछ कामों में आज आपको मन कुछ कम लग सकता है। ये कुछ नकारात्मक बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि नौकरी और बिजनेस में आप यदि सावधान रहेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगा। वहीं इस राशि के छात्रों के लिए यदि बात करें तो आपको कुछ अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। यदि हेल्थ की बात करें तो आज आपको कुछ पुरानी बीमारी से परेशानी हो सकती है। नींद में कमी आने के कारण आप कुछ परेशान हो सकते हैं। सिर में दर्द आपको आज कुछ परेशान कर सकता है। लव लाइफ की यदि बात करें तो पार्टनर से आपको सहयोग मिलने वाला है।
प्रेम संबंध आपका मधुर रहेगा, और यदि आपका प्रेमी आपसे नाराज है तो आज के दिन आप उसको मनाने में सफल हो जाएंगे। क्या करें आज के दिन उपाय जिससे शुभता बनी रहे। आज के दिन आपको गौ माता को केला खिलाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। वृषभ राशि वाले, आज आपके लिए दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आपके ज्यादातर सोचे हुए काम पूरे होने के योग नजर आ रहे हैं, हालांकि कुछ कार्यों के पूरे होने की गति धीमी हो सकती है। इसलिए आपको हर कार्य को धैर्य और समझदारी से निपटाने का प्रयास करना चाहिए। इस राशि के कुछ लोग को यदि रोजगार की तलाश में है तो आज आपको कुछ नए रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज कुछ लोगों की नज़र आपके काम के ऊपर हो सकती है, इसलिए आज आप अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे करने का प्रयास करें। जमीन जायदाद से संबंधित आज कुछ रुचि आपको बढ़ सकती है। आज के दिन क्या ना करें, दो तरफा बात करने से आपको बचना चाहिए। पीठ पीछे आप यदि किसी की बुराई करते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आज के दिन किसी को उधार पैसा आप देंगे तो आपका पैसा अटक सकता है, परेशानियां इससे आ सकती है भविष्य में, इसलिए इन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। बिना सोचे समझे आज आप किसी भी काम की शुरुआत ना करें और किसी को सलाह देने से भी आज आपको बचना चाहिए। आज के दिन आपको निवेश भी सोच समझ कर करना चाहिए। वहीं बिजनेस के लिए कोई यात्रा होने के योग नजर आ रहे हैं। इस राशि के जो छात्र कानून की पढ़ाई करते हैं ऐसे छात्रों को आज सफलता मिलने के आसार बन रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो सेहत के मामले में आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आपको बहुत अच्छी सफलता स्वास्थ्य में मिल सकती है। यदि पुरानी बीमारी से आप परेशान हैं तो वो भी आज समाप्त हो सकते हैं। आज के दिन लव लाइफ की यदि बात करें तो बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। यदि आप प्यार का इजहार किसी से करना चाहते हैं तो आज आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। वहीं आज के दिन कुछ अतिरिक्त सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। लव लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिडियल अफेयर होने के कुछ चांसेस दिख रहे हैं, इसलिए आपको संभल कर रहने की जरूरत है। आज के दिन क्या करें उपाय जिससे सुप्ता बनी रहे। आज के दिन चने की दाल का भगवान विष्णु को प्रसाद में भोग लगाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। मिथुन राशि वाले, आज बहुत से मामले आपके फेवर में हो सकते हैं। बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके आपको मिलने वाले हैं। ज्यादातर मामलों में दिन सामान्य होगा। पार्टनरशिप के कारण आज आपके कुछ जरूरी काम पूरे हो सकते हैं। कुछ नए अनुभवों के लिए आपको आज के दिन तैयार रहना चाहिए, इससे आपका आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ सकता है। आज के दिन आपके कुछ जरूरी काम पूरे होने के योग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आज के दिन आपका कुछ समय घर के कुछ जरूरी कामों में भी लग सकता है। आज के दिन क्या ना करें जिससे आपको शुभता बनी रहे। आज के दिन यदि नकारात्मक बातों की ओर ध्यान दें तो अचानक खर्चा बढ़ सकता है। कुछ लोग आपके कामों में रुकावट डालने का प्रयास कर सकते हैं। आज के दिन आपको कई तरह के विचार आपके दिमाग में एक साथ आ सकते हैं, जिससे आपके सोचे हुए कामों को पूरा होने में समय लग सकता है। तो इन नकारात्मक बातों के लिए आपको पहले से तैयार रहने की जरूरत है। खास करके आज के दिन खर्चा अधिक होगा तो फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का प्रयास करें। और बिजनेस के मामले में यदि देखें तो दिन अच्छा है, कामयाबी मिल सकता है। वहीं इस राशि के छात्रों को आज पढ़ाई में कुछ कम मन लग सकता है। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो कामकाज अधिक होने के कारण आपके सेहत पर इसका कुछ अधिक असर पड़ सकता है, तो इसलिए अपने आराम के लिए भी समय आज के दिन जरूर निकालें। लव लाइफ के मामले में आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। जीवन साथी से आपको खुशियां मिल सकती है, उनके माध्यम से प्रेम और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। क्या करें आज के दिन उपाय जिससे शुभता बनी रहे। आज के दिन किसी गरीब आदमी को चने की दाल का दान करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि वालों के लिए
क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। कर्क राशि वाले, आज बिजनेस की शुरुआत सुस्त रह सकती है। आपके काम काज की गति आज कुछ धीमी हो सकती है। बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर किए गए कामों से आपको फायदा होने के योग नजर आ रहे हैं। जो सपने आपने देखे हैं उसको पूरा करने में आज आपको कुछ हद तक परेशानी आ सकती है, लेकिन आपके प्रयासों के कारण उसमें समाधान मिलता हुआ नजर आएगा। आज आप अपने दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखें। करीबी लोग आज आपके साथ कुछ नकारात्मक बातें करने का प्रयास कर सकते हैं, तो ऐसे बातों के लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। आपके अंदर कुछ सुस्ती भी महसूस हो सकती है। संतान के कामकाज पर आज आपको नजर रखनी होगी और संतान को आपको समय भी देना होगा। यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहने वाला है। उनके उच्च और बौद्धिक विकास के लिए आज आपका साथ उन्हें भविष्य में बहुत ही ज्यादा सफलता दिलवा सकता है। आज के दिन लव लाइफ की यदि बात करें तो पार्टनर का मिजाज अच्छा हो सकता है। आपकी भावनाओं का सम्मान वो करने वाले हैं। पार्टनर आपके मन की बातों को आपके बिना बोले ही समझ सकते हैं। आज के दिन करियर में कुछ रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बन रहे हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपके कारोबार में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी में भी आज आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। वहीं इस राशि के छात्रों के लिए दिन अच्छा है, सफलता मिल सकती है और मन भी आपका कुछ अधिक प्रसन्न रहने वाला है। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो आज के दिन आपको सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। अधिक भोजन खाने से आपको तकलीफ हो सकती है। आज के दिन क्या करें उपाय जिससे आपको शुभता बनी रहे। आज के दिन किन्नरों को पैसे दान करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। सिंह राशि वाले, आज बिजनेस के मामले में दिन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों से आज आपको सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं। दोस्तों की मदद मिलने से आपके कुछ कामकाज पूरे हो सकते हैं। नए कामकाज आज आपके सामने कुछ जरूरी लोगों की मदद से संपूर्ण हो जाएंगे। कामकाज से जुड़ी हुई कोई चुनौती आज आपके सामने अगर आती भी है तो आप अपने मित्रों की मदद से उसे पूरा कर लेंगे। नए संबंधों से कुल मिलाकर आज आपको फायदा हो सकता है। बिगड़े हुए काम और स्थितियों को संपूर्ण रूप से आज के दिन आप सफल बना लेंगे। आज के दिन आपको अपने दुश्मनों पर जीत मिल सकती है। आपके प्रेमी या आपका कोई करीबी मित्र यदि पिछले काफी समय से आपसे नाराज है, आपसे बातचीत बंद है, तो आप आज के दिन उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं तो वो आपके प्रयासों से मान जाएंगे। आज के दिन कुछ नकारात्मक बातें जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। खास करके बिजनेस या नौकरी में आज के दिन आपके लिए कंपटीशन बढ़ सकता है। लोगों के काम करवाने के लिए आपको कुछ व्यवहारिक तरीका अपनाना होगा और आज के दिन आपको परिवार के मामलों में अनदेखी नहीं करना चाहिए। आज के दिन पैसों की कुछ चिंता आपके मन में हो सकती है। वहीं आज के दिन कुछ संबंधों में तनाव होने के योग भी नजर आ रहे हैं। इन नकारात्मक बातों की ओर आपको ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इस राशि के बेरोजगार लोगों को आज के दिन रोजगार मिल सकती है। बिजनेस में भी कुछ फायदा होने के योग नजर आ रहे हैं। वहीं इस राशि के छात्रों को अच्छी सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। काम की कोई बात आज आपको पता चल सकता है। हेल्थ की यदि बात करें तो मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। लव लाइफ की यदि बात करें तो आज के दिन आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। वहीं लव अफेयर के मामले में आज आपको कुछ डर भी हो सकता है। यदि आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का प्रयास करते हैं तो आज आपकी पोल खुल सकती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं आज के दिन क्या करें उपाय जिससे आज के दिन शुभता बनी रहे। आज के दिन भगवान विष्णु की आरती करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि कन्या। कन्या राशि वाले, आज आपको अपनी मेहनत का संपूर्ण फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन आप जो भी करेंगे उसका फायदा आपको भविष्य में होने वाला है। आपके कामकाज की क्षमता आज बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव
आज बढ़ने वाला है। ऑफिस में आज आप कुछ अच्छे कामों को निपटा सकते हैं, लेकिन आज के दिन आपको रूटीन में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आज जितना मिलता है उसे लेने का प्रयास करना चाहिए, उसे सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन आप कुछ ज़्यादा पाने के चक्कर में अपना कुछ पुराना धन गंवा ना दें, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आज के दिन हालांकि आपके परेशानियों से आपको राहत मिलने वाली है, किसी भी काम में यदि आप मन लगाकर करेंगे तो पहले से आपको अधिक सफलता मिल सकती है। आज के दिन आपको किसी भी तरह के निवेश करने से पहले ठीक तरीके से चेक कर लेना चाहिए। खास करके आज के दिन आपको अपने खान पीन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। एक साथ कई प्रकार के कामों को हाथ में ना लें, यह आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आपको इससे कोई परेशानी आ सकती है। कुछ कामों में आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान दे सकता है, तो अति आत्मविश्वास आप अपने अंदर ना आने दें। आज के दिन नए काम और रोजगार के कुछ ऑफर आपको मिल सकते हैं, हालांकि कारोबार में पार्टनरशिप के मामले में आज आपको मदद मिल सकती है। आज के दिन आपकी जिम्मेदारी कुछ हद तक बढ़ सकती है, हालांकि छात्रों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो सिर में दर्द और नींद की कमी आज आपको महसूस हो सकती है, वहीं पेट से संबंधित समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। लव लाइफ की यदि बात करें तो आज आप अपना कुछ समय अपने पार्टनर के साथ यदि बिताते हैं तो यह आपके लिए उत्तम है। पुरानी बातें कुछ आपके सामने आ सकती है जिसके कारण कोई मतभेद हो सकता है, तो कोशिश करें पुरानी बातों को आज के दिन अपने संबंधों में ना आने दें। आज के दिन क्या करें उपाय जिससे सुप्ता बनी रहे। आज के दिन गौ माता को केला खिलाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। तुला राशि वाले, आज ऑफिस में कुछ अधूरे काम निपटाने के लिए दिन अच्छा है। रोमांस के लिए भी दिन आज आपके लिए काफी लकी साबित हो सकता है। आज आपके पार्टनर आपके बात को मान सकते हैं। आज आपको किए हुए कामों से आने वाले दिनों में फायदा हो सकता है। पुरानी समस्या का कोई नया पहलू आपके सामने आ सकता है। आज आपकी व्यवहारिकता पर भावुकता हावी हो सकती है। आज आपको अपनी सभी योजनाएं और अपनी सभी विचार को दूसरे के सामने प्रकट करने में सफलता हासिल हो सकती है। आप उनको अच्छी तरीके से अपनी योजना और अपने विचारों को समझा पाएंगे। आज के दिन आपके लिए कुछ नकारात्मक बातें जो हैं उसका आपको ख्याल रखना चाहिए। अपने मन के ऊपर आपको मानसिक तनाव हावी नहीं होने देना है। कोई नया काम यदि आज आप शुरू करते हैं तो नेगेटिव विचार को अपने मन में ना आने दें, और धन हानि का कोई योग बन रहा है इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। आज के दिन खास करके किसी अजनबी पर भरोसा ना करें, यह आपके लिए बेहतर होगा। कोई भी बड़ा निवेश यदि आप करते हैं तो अच्छी तरीके से जांच पड़ताल जरूर करें। इस राशि के छात्रों के लिए आज दिन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं कहा जा सकता। मानसिक तनाव के कारण आपके शिक्षा में कुछ कमी आ सकती है। सेहत को लेकर आज आपको संभल कर रहने की जरूरत है। छोटी दुर्घटना या चोट लग सकती है, तो इन बातों का आपको पहले से ख्याल रखना चाहिए। आज के दिन लव लाइफ की यदि बात करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ अधिक समय बिताएंगे। आज के दिन अविवाहित लोगों को अचानक कोई सरप्राइज मिल सकता है, कोई प्रेम प्रपोजल या कोई विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है आपके सामने। आज के दिन क्या करें उपाय जिससे आपके जीवन में शुभता बनी रहे। आज के दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। वृश्चिक राशि वाले, आज ऑफिस में कुछ कामकाज अधिक रहेगा। सेहत पर आपको आज के दिन ध्यान देना चाहिए। दोस्तों और भाइयों के साथ आज आपका समय बीत सकता है। आपकी परेशानी आज ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। आलस्य को छोड़कर आपको हर एक काम को हाथ में लेने का प्रयास करना चाहिए जो आप आसानी से पूरा और समय पर पूरा
कर सकते हैं। कोशिश और दूरदर्शिता से आज आपको अपने काम को पूरा करने में मदद मिल सकता है। परिवार को लेकर आज के दिन आप कुछ अधिक ही पॉजिटिव हो सकते हैं। परिवार की कोई पुरानी अनबन भी आज आपके दिन में खत्म हो सकते हैं। लचीले व्यवहार के कारण आज आपको परिवार वालों का और साथ में काम करने वाले लोगों का साथ मिल सकता है। आज के दिन यदि आपको कहीं समझौता करना पड़े तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहें। आज के दिन क्या ना करें जिससे नकारात्मक बातों से बचा जा सके। आज के दिन कोशिश करें आप आलस्य को ना अपने अंदर आने दें, इससे आपके काम में रुकावट आ सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों को आज कुछ टेंशन बढ़ सकती है, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वहीं इस राशि के छात्रों के लिए यदि आज के दिन की बात करें तो दिन उत्तम है, पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन स्वास्थ्य की यदि बात करते हैं तो पेट और कमर में दर्द होने की संभावना बन रही है, कहीं चोट चपेट भी लग सकती है, इसलिए संभल कर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। आज के दिन लव लाइफ की यदि बात करें तो विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी से सुख और प्रेम मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं इस राशि के प्रेमी जोड़ियों के लिए भी दिन अच्छा है, आप एक साथ कहीं टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में कोई अच्छे खाने का लुत्फ भी आप उठा सकते हैं। आज के दिन क्या करें उपाय जिससे आज के दिन में शुभता बनी रहे। आज के दिन आपको अपने मस्तिष्क पर पीले चंदन से तिलक करके घर से बाहर निकलना चाहिए, इससे आपके सभी कामों में सफलता हाथ लगने वाली है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। धनु राशि वाले आज अधूरे काम पूरे होने की संभावना बन रही है। भूमि संबंधी लेन देन में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। बिजनेस में कुछ नए एग्रीमेंट हो सकते हैं। संपत्ति बढ़ाने की कोई योजना आज आपके सामने आ सकती है। पुराने और बड़े लोगों से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। आज दोस्तों और साथियों के दम पे आपके ज्यादातर काम पूरे हो सकते हैं। कुछ जिम्मेदारियां आज आप अगले दिन के लिए भी टाल सकते हैं। आज के दिन धन लाभ होने के संकेत देख रहे हैं। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात आज आपको हो सकती है। फोन पे कोई बातचीत होने के भी योग नजर आ रहे हैं। आप इंटरव्यू या सौदेबाजी के लिए आज कुछ प्रयास करते हैं तो आज का दिन आपको सहयोग कर सकता है। आज के दिन कुछ कार्यक्रम में आपको अपने समय पे बदलाव करना पड़ सकता है। ऑफिस में कुछ अधिक बिजी रहेंगे। कुछ पुरानी बात आज आपको परेशान कर सकती है। आज के दिन आपको काम काज में लापरवाही नहीं करना चाहिए। आज आपके सेहत की यदि बात करें तो सिर में और पेट में कुछ समस्या हो सकती है। हालांकि करियर में आज आपका कारोबार बढ़ने के योग नजर आ रहे हैं। आपके सुख साधनों में बढ़ोतरी होने के योग नजर आ रहे हैं। वहीं इस राशि के छात्रों के लिए भी दिन अच्छा है। पढ़ाई में मन लगेगा। कोई नया कोर्स भी आज आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। उसके बारे में आज आप कुछ नया आपको पता चल सकता है। आज के दिन लव लाइफ की यदि बात करें तो यदि आपका पिछला कोई विवाद चल रहा है तो वो आज सुलझ सकता है। प्रेम संबंधों में सुधार होने के योग नजर आ रहे हैं। आज के दिन क्या करें उपाय जिससे शुभता बनी रहे। आज के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में आप नारियल का भोग लगाएं, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। मकर राशि वाले आज आप नौकरी एवं निजी जीवन के लिए जो भी फैसला लेंगे उसका असर लंबे समय के लिए रह सकता है। दोस्त आज आपसे प्रभावित हो सकते हैं। जीवन साथी से आज आपको प्यार से पेश आने की जरूरत है। कामकाज में आज के दिन आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी तारीफ और सम्मान आपको मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में आज आपको अपनी प्राथमिकता को बिल्कुल साफ तरीके से सामने वाले के सामने रखने का प्रयास करना चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। आपको अपने प्रतिभा दिखाने का आज अच्छा अवसर मिल सकता है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आज कुछ अच्छे सफलता मिलने के दिन नजर आ रहे हैं। आपकी प्लानिंग आज आप सफल होगी और कुछ नए लोगों से आपके प्रोफेशनल संबंध बन सकते हैं। वहीं धन लाभ के भी कुछ अच्छे आसार नजर आ रहे हैं। आज आपको अपने कार्य धंधों में तरक्की होने के योग बन रहे हैं। आज के दिन आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, काम काज में अधिक जल्दबाजी ना करें और अपने जीवन साथी, अपने मित्रों, अपने करीबी दोस्तों या
अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करते समय अपने वाणी को विनम्र बनाए रखें। आज के दिन हेल्थ की यदि बात करें तो पुराने रोग की वजह से आपको कुछ परेशानी बढ़ सकती है। इस राशि के हार्ट के पेशेंट को संभल कर रहने की जरूरत है। लव लाइफ में आज यदि आप मीठे वाणी से अपने पार्टनर के साथ बात करते हैं तो आज आपका लव लाइफ बहुत ही मधुर होगा, उनके साथ आपका अच्छा समय बीत सकता है। आज के दिन क्या करें उपाय जिससे शुभता बनी रहे। आज के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में आपको गेंदा का फूल, पीला फूल अर्पित करें, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। कुंभ राशि वाले, आज आप कुछ ज्यादा ही बिजी हो सकते हैं। अधिकारियों से भी आज आपको कामकाज में सहयोग मिलने वाला है। किसी काम के लिए आज आपको कुछ अधिक परिश्रम करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आज के दिन आपको अपने खुद पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आप इतना काम करें जिससे आपके स्वास्थ्य पर असर ना हो। आज के दिन आपके बॉडी लैंग्वेज और आदतों में कुछ जरूरी बदलाव आ सकते हैं। आज आप अपने काम का निपटाने में कुछ अधिक एनर्जी खर्च करने वाले हैं। आज के दिन आप अपने मन पर कंट्रोल रखें, आपको कुछ नई चीजें भी आज आपको सीखने को मिल सकता है। प्रेमीजनों से आप अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो कह दें। आज के दिन कुछ यात्रा होने के योग भी नजर आ रहे हैं। पुराने मामलों को लेकर आज आपको कोई यात्रा हो सकता है। आज के दिन आपको कुछ विशेष बातों में अतिरिक्त सावधान होने की जरूरत है। अधिक जोखिम ना लें, जो काम सही तरीके से सही समय पर पूरा ना हो उसे करने का जबरदस्ती रूप से प्रयास ना करें, यह आपके लिए बेहतर है। हालांकि नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए दिन अच्छा हो सकता है, आपके प्रमोशन के चांस बन रहे हैं। यदि आप प्लेसमेंट में कोई अप्लाई करते हैं जॉब के लिए और आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। सेहत की बात करें तो आज सेहत सामान्य रहेगा, लेकिन ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए आज कुछ सावधान रहने की जरूरत है। वहीं लव लाइफ की यदि बात करें तो आज आपका दिन बहुत ही उत्तम है। आपको आपके लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छे प्रेम और सहयोग मिल सकते हैं। आज के दिन क्या करें उपाय जिससे शुभता बनी रहे। आज के दिन किसी गरीब व्यक्ति को पीले सरसों का दान करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ कहता है आज का राशिफल। मीन राशि वाले, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा में हैं, उन्हें आज कुछ अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आज आपकी कुछ नई योजना सफल हो जाएगी। आज आप आगे बढ़ने के लिए जो भी कोशिश करेंगे उसमें सफलता मिलने वाले हैं। अपने दोस्तों से आज आपको अच्छा मदद मिल सकता है। उनके माध्यम से आज आपके काम में कुछ रुकावट यदि पहले से आ रही है तो वो खत्म हो जाएगी और आपके काम सही तरीके से सफल हो जाएंगे। आज के दिन आप किसी दोस्त को गिफ्ट भी दे सकते हैं। आज के दिन कोशिश करें अपने समय का सदुपयोग करें, सकारात्मक सोच बनाए रखें और आगे बढ़ने के लिए ज़्यादातर आपको प्रयास करने की जरूरत है। काम पर आपको आज के दिन बार बार विचार करने के लिए मौका मिल सकता है, इसलिए किसी भी काम को यदि करते हैं तो उसे अच्छी तरीके से करने का प्रयास करें। आज के दिन आपका पर्सनल लाइफ भी अच्छा रहेगा। दोस्तों की मदद के साथ साथ आपके घर परिवार वालों का मदद भी मिल सकता है। आज के दिन कोशिश करें, समय चूंकि अच्छा है तो फालतू के कामों में या फालतू के बातचीत में अपने समय को बर्बाद ना करें। फिजूल खर्ची पर भी रोक लगाएं और मानसिक और शारीरिक थकावट आज के दिन आपको कुछ महसूस हो सकती है, इसलिए अपने आराम के लिए कुछ समय अपने कामकाज से जरूर निकालें। बहस करने से बचें और परिवार की खुशी के लिए शाम को कुछ ना कुछ ले जाने का प्रयास जरूर करें। किस्मत का साथ आज आपको मिल सकता है, आपके रुके हुए काम पूरे होने के योग नजर आ रहे हैं। कामकाज के कारण आज आपका कोई यात्रा भी हो सकता है। वहीं इस राशि के छात्रों के लिए यदि बात करें तो कुछ मेहनत अधिक करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो गले के रोग हो सकते हैं। ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से आपको बचना होगा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। गैस्ट्रिक या एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। आज के दिन लव लाइफ की यदि बात करें तो दिन बहुत ही अच्छा है। आपके बीच में मधुरता बढ़ने वाला है। यदि
आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन आपका बहुत बेहतर होगा। आज आप घर के कुछ जरूरी सामान की खरीदारी के लिए एक साथ कहीं बाहर शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं, जहां आपको कुछ अच्छे डिस्काउंट भी मिलने वाले हैं। वहीं इस राशि के अविवाहित लोगों के लिए कुछ विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। आज के दिन क्या करें उपाय जिससे शुभता बनी रहे। आज के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम उपाय रहने वाला है। तो दर्शकों, आपने देखा क्या कहता है आपका आज का राशिफल। इसी प्रकार से ज्योतिष एवं धर्म से जुड़े अनेक रहस्यपूर्ण महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और रात में 8 बजे यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, आप अपने कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो कुंडली दर्शन लाइव कार्यक्रम में आना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के नीचे जरूर बताएं, आपका फीडबैक लेने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।